अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी ड्रिंक लेकर आई हूँ जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ और आज मैंने इफ्तार में बनाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जी मैंने डेट्स ले ली थी, इसमें से मैंने इसकी सीड्स निकाल ली हुई हैं। आपने 7 से 8 इसमें खजूर डालनी है। आप बेशक इसको थोड़ी देर भिगो भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था ऐसे। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें आपने दूध डालना है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें साथ डालेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी टोटली ब्लेंड नहीं होती। इसलिए सबसे पहले जो है ना, हम लोग करेंगे डेट्स को अच्छी तरह ब्लेंड ताकि वो बेस सा जो है ना इसका तैयार हो जाए। और बस अब मैंने इसको जी पेस्ट बना लिया। ये लो आप देख सकते हैं कि जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जो मैंने एप्पल 2 मीडियम साइज़ के लिए थे वो मैंने क्यूब्स में कट कर लिए थे, हमने इसके अंदर वो ऐड कर देने हैं। और बस अब हम जो है ना इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें भी आप थोड़ा सा दूध थोड़ा सा ऐड कर लें और जो है ना अब आपने इसका जी फुल प्यूरी तैयार कर लेनी है। पहले हम इसका पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, आपने जो 1 कप मैंने पहला पोर्शन जो मिल्क में लिया वो आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना। ये आपका फुल जो है ना पेस्ट तैयार हो चुका हुआ है ताकि इसमें आपको ना चंक्स आपके मुंह में ना आए। सो अब जो है मैं इसके अंदर जो है ना टोटल 3 कप ऑफ मिल्क ऐड करने वाली हूँ और फुल फैट मिल्क। सो बस अब आपने इसके अंदर डालकर थोड़ा सा आपने इसके अंदर जी डालना है सिनेमन पाउडर। और आप लोग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी नीड बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि वो उतना ही जो है ना स्वीट हमारे लिए तो काफ़ी था। तो आप लोग अपने हिसाब से जो है ना ऐड कर सकते हैं। सो मैंने इसके अंदर सिर्फ डेट्स, एप्पल और सिनेमन पाउडर ही ऐड किया था। तो आप लोगों ने यह करना है, अब बस इसमें मैंने जो है ना 1/2 टीस्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर जो है ना सिनेमन पाउडर ऐड कर दिया था। और बस अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। सो हमारी जी ये हेल्दी ड्रिंक रेडी हो चुकी हुई है इफ्तार के लिए। तो आप लोग भी बनाएं और मुझे बताएं कैसी बनी थी। बहुत मज़े की बनी थी और एक तो हेल्दी और एनर्जेटिक होती है। तो सो आज मैंने जो इफ्तार में यही बनाई थी, तो मैंने कहा जब तो शेयर भी कर लें। सो बस अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर गार्निशिंग करूँगी। थोड़ी सी जी मैंने ऊपर लगा दी है डेट्स और थोड़ा सा मैं जो है ना इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी सिनेमन जो है मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और बस मेरा जो है ये शेक रेडी हो चुका हुआ है। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।